इशू है? देखिए, मैं अपनी बात कहूं तो मैंने ऐसे ख्यालात अभी पैदा नहीं किए हैं। मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूं, भाभी जी घर पर हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम बोर हो रहे हैं, और मैंने अभी ऐसे कोई ख्यालात नहीं बनाए हैं। वही शायद जवाब हमारा भी ये जो टिल्लू मियाँ का है कि हम लोग इस बारे में सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए जो हमारा बिग बॉस है वो भाभी जी घर पे है, अभी हम इसी पे ध्यान दे रहे हैं, आगे क्या आगे देखी जाएगी। अभी वही हमारे ख्यालात दुरुस्त नहीं हुए और भविष्य में जो होगा वो देखा जाएगा। और तभी आप लोगों को ऑफर आया शो के लिए, हो सकता है उससे बड़ा कोई ऑफर टकराए, देखते हैं ना। वही, ये तो भविष्य के गर्भ में क्या है किसी को क्या पता, ये तो वक्त आने वाला ही बताएगा। सच बताया तो हम पहले वाले देखा करते थे, लेकिन अभी बिल्कुल नहीं देखते हैं ना, हमें टाइम मिल पाता है, हमें वो पैकअप लेट होता है तो, और अपना शो भी कई बार तो ये चीज है कि हाँ, और यू नो भाभी जी से टक्कर चलती रहती है किसकी, मतलब यू नो टीआरपी अच्छी है तो बस हमारे और क्या कि हमारे सेट पर इतने प्यारे प्यारे परम मित्र रहते हैं हमारे, प्यार करने वाले बड़े भाई छोटे भाई, उनको देखते रहते, इच्छा नहीं करती कुछ देख रहे दूसरा देखने की। जैसे हमारे साथ में हमारे दोस्त, हमारे प्यारे बड़े भैया प्रेम चौधरी, हमारे विश्वजीत भैया देखिए साथ में आता है, प्लीज आइए, प्लीज आइए, अरे एक बार तो आ जाओ यार, एक बार तो भाई। और बिग बॉस के खिलाफ कितना बुलवाओगे, बुलाने वाले भी होंगे तो ना बुलवाएंगे, और सवाल कर लो भाई। तुम हमें बिग बॉस में जलवाना चाह रहे हो, निकलवाना चाह रहे हो, हो गए। अगर हम बात करें सलमान सर की, तो सलमान सर की होस्टिंग आप देखते हैं? उनके साथ तो हम तीनों ने माशाल्लाह काम भी किया है, जो भारत फिल्म आई थी उनकी, मज़ा आया, बहुत अच्छे इंसान हैं और अच्छा करते हैं, और उनकी जो नेचुरलिटी है वो पसंद आती है लोगों को। बस उनके लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सिर्फ नाम ही काफ़ी है, बहुत बेहतरीन अभिनेता हैं, बचपन से हम लोग उनको देखते आ रहे हैं, अच्छा काम करते हैं और अच्छा काम करेंगे वो। और मैंने तो टी शर्ट उतारना उन्हीं से सीखी थी। ये बचपन से देखते आ रहे हैं उनको, और बचपन में भी देख रहे हैं। और सुनिए, अच्छा हुआ उन्होंने टी शर्ट ही उतारी थी, कुछ और उतारते तो वो भी सीख लेते। जी नेक्स्ट। ओके, आगे में अपने फैंस से, ये आपने आखिर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अच्छे लेवल में प्रमोशन किया जाए, तो क्या आप बिग बॉस में जाके शो प्रमोट करेंगे? श्योर, अगर मुझे बुलाएंगे तो क्यों नहीं जाऊंगी, बिल्कुल जाऊंगी, मेरा शो है, मैं जहां बुलाओगे वहां जाऊंगी। तो आप कितना फॉलो करती हैं बिग बॉस, कभी आपने देखा है और कभी आपको जाने का इरादा है बिग बॉस? नहीं, मैं जैसे मैंने बोला कि मैं झगड़ा नहीं कर सकती, मैं कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ सकती एज एन इंडिविजुअल, तो मुझे लगता है बिग बॉस में तो सीट मैं वेस्ट ही कर दूंगी अगर मैं जाऊंगी तो। बट मुझे वो शो बहुत मज़ेदार लगता है, क्योंकि उसमें भी काफ़ी गिरगिटगिरी होती रहती है ना, कोई सच्ची में ऐसा होता नहीं इंसान, वो इस सिचुएशन में जाके जैसे बिग बॉस में रंग बदलते हैं, वैसे ही हमारे शो में लोग रंग बदल रहे हैं। तो जैसे कि आपके शो में गिरगिट है, तो बिग बॉस के अंदर आपने देखा होगा, मैं थिएटर वाली हूँ तो मैं जाके चीजें देखती हूँ लाइव, तो मैं टीवी तो मेरे पास घर में ही नहीं है, तो आई एम सॉरी मैं देखती नहीं, गलती हो गई, बट अगर पता होता तो मैं पक्का बताती कि कौन क्रिकेट है। मुझे लगता है बिग बॉस ही क्रिकेट है सबसे बड़े। हाँ, वो सबको नचाते हैं। मैं फैंस को ये कह, क्या आप लोग बिग बॉस देखते हैं कुछ, उसके बारे में आपके कोई फ्रेंड्स गए हैं बिग बॉस में के टाइम? नहीं सर, मैं तो नहीं जानती किसी को। बिग बॉस नहीं देखते आप? सर मैंने ना बिग बॉस 1 देखा था, कितने साल हो गए, 15 सीजन? हाँ तो 15 सीजन है ना अभी, तो पहला जिसमें शायद पता नहीं एक मॉडल थे कैरल ग्रेशियस, पता नहीं सर, पहला देखा था बस, उसके बाद मैंने जनरली, मैं वैसे भी सर एक तो सच बोलूँ मैं टीवी नहीं देखती हूँ, रियलिटी शो मतलब वेब सीरीज मूवीज देख लेती हूँ वो OTT प्लेटफॉर्म पर मैं रियलिटी शोज नहीं देखती हूँ। मेरा भी बिग बॉस से कुछ खास लगाव नहीं है, पर मेरे कुछ दोस्तों का है तो मुझे उनसे अपडेट मिलता रहता है। नहीं मतलब नॉट इन दी इंडस्ट्री रियली, मैं थोड़ा बहुत जीशान को एक बार मैं मिली थी थ्रू अनदर फ्रेंड, बट मैं उसकी मतलब क्लोज फ्रेंड वगैरह नहीं हूँ, तो हाँ दैट इज देयर, एंड या लाइक आई तो डोंट इवन नो हु इज कमिंग टू दिस टेलीविजन पे, बहुत सारे जो नए आए हैं मुझे नहीं मालूम है कि कौन कौन आया है, बट उछल कूद कराने के लिए मैं सबसे पहले रेडी हूँ। गिरगिट अगर बिग बॉस ऑब्वियसली जाना है तो मैं जाऊंगी, वहाँ टास्क वास्क इफ दे गिव, बट इफ यू आस्क मी कैन आई
sit inside a big boss house and would I want to participate? I just know I will not be able to go because क्या होता है ना अगर मैं अपने बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा टाइम तक हूँ मैं अपने पर्सनल स्पेस की बात कर रही हूँ इट सफोकेट्स मी आई देन नीड टू स्टेप आउट सो टू सी माई सेल्फ लॉकड अप आई नो दर इज मनी इन्वॉल्व टू बट देन आई जस्ट कान मैं अपने बेडरूम से भी निकल जाती हूँ आई स्टेप आउट फॉर अ वॉक एंड आई कम बैक आफ्टर एन आवर बट टू इफ यू हैव टू गो फॉर गेटेड प्रमोशंस आई वुड लव टू बिकॉज मुझे बहुत एक्साइटमेंट है वो जो वहाँ पे सेट बना हुआ है वो मुझे वो देखना है आई वॉन्ट टू सी दैट सेट हाँ और अभी फिल्म सिटी में ही आ गया तो नो वरीज आई कैन गो हाँ पहले आप लोग फैन मतलब सर मैं सबकी फैन हूँ मुझे सब पसंद है मेरे को मैं किसी से मेरे को और कोई कुछ मैं सब सब बस क्वालिटी वर्क मिले अपना आप एक्टिंग के नाम से आप आगे जाने जाओ आप काम से आगे जाने जाओ कोई भी चलते हैं ओके okay,